नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम दिव्य शक्तियों के बारे में जानें कि दिव्य शक्तियां होती क्या है, दिव्य शक्तियां आती कहां से हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करें और ये दिव्य शक्तियां हमारी मदद क्यों करती हैं। तो संसार में दो प्रकार की शक्ति है, एक असुर शक्ति, एक दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति के साथ साथ असुर शक्ति भी होती है और दोनों शक्तियां हमेशा रहती है संसार में। तो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, जिस प्रकार की पूजा होती है उसकी, उसको उसी प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आसुरी संपदा संपन्न व्यक्ति, आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति जो असुर पूजा करता है, असुर पूजा क्या होती, भूत प्रेत पिशाच इन सब को जो पूजा करने वाले लोग हैं, उनके पास असुर शक्तियां होती हैं। कई बार हम लोग भूल बस अनजाने में असुर शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं। असुर शक्तियां हमेशा हमको नुकसान पहुंचाती, हमारे शरीर पर डिस्टर्ब करती, मन मस्तिष्क को पागल कर देती, क्योंकि वो व्यक्ति को अपने अनुसार ही बनाती है। और इससे विपरीत दैवीय शक्तियां जो है आपको दैवीय शक्ति संपन्न बनाती है, आपके अंदर शांति, स्थिरता, आनंद, खुशहाली इत्यादि प्रदान करती है। कई बार असुर शक्ति संपन्न व्यक्ति तरक्की भी कर जाते हैं लेकिन बाद में बर्बाद हो जाते हैं, और वहीं जो दैवीय शक्ति संपन्न की तरक्की होती है वो चिरकाल तक चलने वाली होती है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये शक्तियां आपकी मदद करती हैं, कैसे जाने कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। तो हम दिव्य शक्तियों की बात कर रहे हैं जो दैवीय शक्ति संपन्न है। उनमें सबसे पहले अच्छा चरित्र, अगर आप दैवीय शक्ति वाले हो तो आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका मन शांत होगा, आप एक सुखद अनुभव करेंगे, होने वाली पूर्व घटनाओं का आपको आभास होगा, आपका भाग्य तेजी से बढ़ता है, आपका मन शांत रहता है, आपके घर में खुशहाली रहती है। इसके विपरीत जो असुर शक्ति संपन्न के लोग हैं, ऐसे लोग जीवन में दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके शरीर में खुजली, उनके शरीर से दुर्गंध, उनके शरीर से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा उन घरों में भी शांति नहीं रहती है, परिवार में दिक्कत रहती है, समाज में उनको इज्जत नहीं मिलती, वो जहां जाते हैं वहीं नाश हो जाता है, प्रातःकाल उनका मुख देख लो तो आपको पूरे दिन अन्न नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो असुर शक्ति संपन्न होते हैं वो संसार के लिए बहुत दिक्कत कर देते हैं। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां पर केवल दुख ही देते हैं और खुद भी दुखी होते हैं। आप अगर दैवीय संपदा लोगों से जुड़ोगे तो आपके अंदर दैवीय शक्ति बढ़ेगी, अगर आप असुर शक्ति संपन्न लोग से जुड़ोगे तो आपके अंदर असुर शक्ति होगी। इसी प्रकार से आपको समझना है कि हमारे अंदर आसुरी या दैवीय शक्ति है, तो आप इसको समझ सकते हैं। और आपको अनुभव भी होता होगा, मैं आज बता दिया तो आप देखना, अनुभव करना आपके अंदर कैसा अनुभव हो रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप आसुरी शक्ति संपन्न है या दैवीय शक्ति। हमें विश्वास है ये चर्चा समझ में आई होगी, समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।